डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स में पिछले दिन आंकिक प्रश्न को कर रहे थे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक्स, इसके आगे के टॉपिक्स, जिसका नाम है दूरदर्शक। ठीक है, ये भी चैप्टर हम लोग चल रहे हैं प्रकाशीय यंत्र पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का फार्मूला प्रूफ किया था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूरदर्शक के बारे में, और दूरदर्शक को बोलते हैं टेलेस्कोप। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेलेस्कोप। अब ये टेलेस्कोप क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए दूरदर्शक भी एक प्रकाशीय यंत्र है। दूरदर्शक भी एक प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग बहुत अधिक दूरी पर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, दूरदर्शक का मतलब क्या हुआ? दूर का तो मतलब जान ही रहे हैं, दूर यानी कि बहुत दूर, और दर्शक का मतलब दिखाई देने वाला, यानी कि ऐसा यंत्र, ऐसा मशीन जिसको हम लोग दूर की वस्तु को भी देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दूरदर्शक। अब इस दूरदर्शक को हम लोग सिंपल दूरबीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दूरदर्शक का उपयोग कहाँ करते हैं? तो दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शक का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके नीचे सेकेंड एरो लिया जाए, नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे दूरदर्शक को दूरबीन भी कहा जाता है। चलिए, अब इस दूरदर्शक को हम लोग क्या कहेंगे? दूरबीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि दूरदर्शक का इस्तेमाल कब करते हैं। तो यह एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, मशीन है, जिसका उपयोग अधिक दूरी तक के वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। दूरदर्शक को ही हम लोग दूरबीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग लिखे। अब दूरदर्शक कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके नीचे एरो लिखेंगे, थर्ड एरो, एरो देकर उसके नीचे लिखा जाए दूरदर्शक के दो प्रकार हैं। दूरदर्शक के दो प्रकार हैं। पहला का नाम है, उसके नीचे लिखिएगा, पहला अपवर्तक दूरदर्शक, और दूसरा का नाम है परावर्तक दूरदर्शक। ठीक है, तो कुल मिलाकर दूरदर्शक के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। एक का नाम है अपवर्तक दूरदर्शक और दूसरा का नाम है परावर्तक दूरदर्शक। ठीक है, तो अब ये दो प्रकार होते हैं दूरदर्शक के। सबसे पहले एक और चीज़ लिखा जाए कि दूरदर्शक का जो समायोजन है, समायोजन का मतलब जैसे दूरदर्शक में हम लोग समायोजित भी कर सकते हैं, यानी कि दूर को देखना है या अत्यधिक दूरी को देखना है, चाहे निकट की देखना है, यानी कि जितना दूरी पर देखना है उसको हम लोग समायोजित कहते हैं। तो इसमें समायोजित भी कर सकते हैं, उसको भी हम लोग दो तरीके से करते हैं। तो लिखा जाए दूरदर्शक का समायोजन,
समायोजन, समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट। जैसे मान लिया कि हमको ये इतना पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको एडजस्ट करते हैं, नीचे ऊपर इधर उधर एडजस्ट करना जिसको बोलते हैं। तो लिखा जाए दूरदर्शक का समायोजन दो प्रकार से किया जाता है। दूरदर्शक का समायोजन दो प्रकार से किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से समायोजन है, तो उसके नीचे पहला लिखा जाए, पहला का नाम है सामान्य संयोजन। सामान्य संयोजन। फिर दूसरा लिखा जाए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन, समायोजन। ध्यान दीजिएगा, तो समायोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो समायोजन भी दो प्रकार के होते हैं। दूरदर्शक का जो समायोजन है उसको दो तरीके से किया जाता है, एक का नाम है सामान्य समायोजन और दूसरा का नाम है अस्पष्ट दृष्टि का। सामान्य का मतलब जनरल फॉर्म में हम उसको संयोजन कर सकते हैं, और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब ये हुआ कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो आप पहले पढ़े होंगे 25 सेंटीमीटर, 10th में भी पढ़े होंगे कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अब इस 25 सेंटीमीटर के दूरी को देखने के लिए भी समायोजन कर सकते हैं, जिसको बोला गया स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। ठीक है, चलिए उसके बाद जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो दूरदर्शक है इसमें सामान्य समायोजन में प्रतिबिंब आखिर कहाँ बनता है। हालांकि ये दो प्रकार के होते हैं, अपवर्तक दूरदर्शक और परावर्तक दूरदर्शक, तो इसके बारे में हम लोग डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप ये समझ जाइए कि दूरदर्शक कितने प्रकार के होते हैं, बाकी इसके बारे में हम लोगों को डीपली नहीं पढ़ना है। हालांकि हम लोग ये जरूर पढ़ेंगे कि सामान्य समायोजन क्या है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन क्या है, तो ये दोनों को हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो खैर अभी फिलहाल आगे की बात को सीखते हैं। तो एरो देकर लिखा जाए दूरदर्शक में, दूरदर्शक के, ऐसे लिखिएगा, दूरदर्शक के सामान्य संयोजन में, सामान्य संयोजन में अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, लेकिन प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, लेकिन प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, कौमा वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण से अधिक होता है। वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण से अधिक होता है। तो जी हाँ, आप सामान्य संयोजन के बारे में थोड़ा सा जरूर जानिए कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है। हमेशा प्रतिबिंब अनंत पर होता है, ठीक है, यानी कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो समझ जाइए कि वो सामान्य समायोजन है। और दूसरा बात कि इसमें प्रतिबिंब द्वारा जो दर्शन कोण बनाया जाता है, प्रतिबिंब द्वारा जो बनाया गया दर्शन कोण है, वो वस्तु से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें सामान्य समायोजन में क्या आप जानते हैं इससे, तो यही आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है।
और इसमें जो प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण जो है वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण से अधिक होता है। तो ये बातें इसमें लिखिएगा। उसके बाद और दूसरा केस क्या पढ़े हम लोग कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो लिखा जाए दूरदर्शक के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन में किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के निकट बिंदु पर बनता है, नेत्र के निकट बिंदु पर बनता है। तो जी हाँ, आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग इसमें किसी भी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में किसी भी वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जब निकट यानी कि हमारा आँख के निकट जब बनेगा तब हम लोग का सिचुएशन कैसा होगा, यानी कि इस सामान्य संयोजन में प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है, लेकिन अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए जब समायोजन करते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र के अत्यंत निकट बनता है, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब रहा बात कि ये दोनों का मान जो है समान समायोजन और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन जो है, इसके बारे में भी अभी हम लोग और डीपली पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए फिर हम लोगों को टॉपिक्स देना होगा नेक्स्ट। तो अब टॉपिक बनाएंगे हम लोग खगोलीय दूरदर्शक। अब ये खगोलीय दूरदर्शक क्या है? दूरदर्शक का तो मतलब समझ गए, दूर दूर का मतलब दूर को देखने के लिए, जैसे दूरबीन, ठीक है। अब ये खगोलीय दूरदर्शक क्या है इसके बारे में जानते हैं। खगोलीय का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल को हम लोग खगोलीय कहते हैं, और खगोलीय का मतलब होता है कि जैसे ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा को देखने के लिए, यानी कि खगोल लोग जिसका उपयोग करते हैं उसको हम लोग खगोलीय कहते हैं। तो ये खगोलीय दूरदर्शक में क्या होता है, तो बहुत अधिक दूरी को हम लोग देख पाते हैं, यानी दूरदर्शक से भी अधिक दूरी को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको खगोलीय दूरदर्शक कहा जाता है। और इसमें प्रायः दो गो लेंस का व्यवहार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शक में कितना लेंस? दो लेंस का व्यवहार करते हैं। तो चलिए, और हाँ, खगोलीय दूरदर्शक में ही हम लोग दोनों केस को पढ़ेंगे, एक सामान्य संयोजन का पढ़ेंगे, एक स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम के लिए समायोजन पढ़ेंगे। किस केस का? खगोलीय दूरदर्शक का। अब खगोलीय दूरदर्शक टॉपिक बनाएंगे, उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए खगोलीय दूरदर्शक अत्यधिक दूरी पर के वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, चंद्रमा आदि सूर्य तारे ग्रह चंद्रमा आदि उसके नीचे सेकेंड एरो लिखेंगे। खगोलीय दूरदर्शक में प्रायः खगोलीय दूरदर्शक में प्रायः दो लेंस का व्यवहार किया जाता है, दो लेंस का व्यवहार किया जाता है। पहला पहला
पहला का नाम है नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस, ठीक है। और दूसरा अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। तो एक का नाम है नेत्रिका लेंस और एक का नाम है अभिदृश्यक लेंस। नेत्रिका लेंस भी उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा, और अभिदृश्यक लेंस भी उत्तल लेंस ही होता है। लेकिन अब नेत्रिका इसको नाम क्यों पड़ा, इसको अभिदृश्यक नाम क्यों पड़ा, चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो लिखा जाए, आँख के समीप वाले उत्तल लेंस को, आँख के समीप वाले उत्तल लेंस को नेत्रिका लेंस कहा जाता है, और वस्तु वाले लेंस को, वस्तु वाले लेंस को अविदृश्यक लेंस या वस्तु लेंस कहते हैं। तो जी हाँ, खगोलीय दूरदर्शक में कितना लेंस व्यवहार किया जाता है, दो लेंस, और दोनों ही उत्तल होते हैं। लेकिन जो हमारे आँख के समीप होता है, निकट होता है, उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। और जो वस्तु के लिए होता है, जहाँ पे वस्तु रहता है, उसको हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, या वस्तु लेंस भी इसको कहा जाता है। तो दोस्त, जब इसका फिगर हम लोग बनाएंगे अगले क्लास में, तब आपको क्लियर होगा, और वहीं हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों ही केस को, एक सामान्य संयोजन को, एक स्पष्ट दृष्टि के लिए समायोजन को। तो दोनों ही केस को अगले दिन पढ़ेंगे, इसका फिगर भी हम लोग अगले ही दिन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।